नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है। दोस्तों यहाँ पर सुबह से लेकर शाम तक की सभी बड़ी खबरें बताई जाती है। दोस्तों मैं आपको बता दें कि यहाँ पर जो भी खबर बताई जाती है बिल्कुल सही खबर बताई जाती है। अगर दोस्तों आप भी सभी खबरों के बारे में अपडेट रहना चाहती है तो लाल बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब कर ले और पास वाले घंटी के बटन को जोड़ दबा ले ताकि आने वाले वीडियो की आपको सबसे पहले सूचना मिल सके। आज की पहली ताजा बड़ी खबर आ रही है महिलाओं के खिलाफ बढ़ते अपराधों को लेकर। राहुल गांधी ने कहा कि दुनिया की रेप राजधानी बन गया भारत। देश में महिलाओं के खिलाफ बढ़ते अपराधों को लेकर गहरी चिंता जताते हुए पूर्व कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने कहा कि भारत विश्व की रेप राजधानी बन गए हैं। अगली ताजा बड़ी खबर आ रही है उन्नाव गैंग रेप पीड़िता के परिजनों से मिली प्रियंका गांधी, बोली सीएम योगी को इस्तीफा देना चाहिए। दोस्तों मैं आपको बता दें कि उन्नाव पीड़िता की गैंग रेप और मौत के बाद पूरा देश आक्रोश में है। वहीं कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी उन्नाव दुष्कर्म पीड़िता के परिवार से मिलने उन्नाव पहुंची है। अगली ताजा बड़ी खबर आ रही है गृह मंत्रालय की, इन सलाहों को मान लिया जाता तो आज जिंदा होती उन्नाव और हैदराबाद की बेटियां। दोस्तों मैं आपको बता दें कि हैदराबाद की बेटी का केस हो या उन्नाव की बेटी का, दोनों ही मामलों में लोगों का गुस्सा उबाल खा रहा है। केंद्रीय गृह मंत्रालय महिला सुरक्षा के लिए गत वर्षों में दर्जनों एडवाइजरी जारी कर चुका है। अगर समय रहते सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेश गृह मंत्रालय के सलाह मान लेते तो उन्नाव और हैदराबाद की बेटी आज जिंदा होती। गृह मंत्रालय ने अपनी सलाह में उन सभी उपायों का भी जिक्र किया था जिनके मदद से महिला के साथ होने वाले जघन्य अपराधों को रोका जा सके। अगली ताजा बड़ी खबर आ रही है झारखंड से। झारखंड विधानसभा चुनाव दूसरे चरण का मतदान संपन्न हो गए। रिकॉर्ड में 62.40% पड़े वोट है। झारखंड विधानसभा चुनाव में शनिवार को दूसरे चरण के लिए मतदान संपन्न हो गए। इस चरण में प्रदेश की 20 विधानसभा सीटों पर वोट डाले गए। अगली ताजा बड़ी खबर आ रही है आयकर के स्लैब में हो सकती है कमी, निर्मला सीतारमण ने दिए संकेत। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने शनिवार को कहा कि सरकार अर्थव्यवस्था में आई सुस्ती को दूर करने के लिए लगातार प्रयास कर रही है। इसको लेकर जल्द से जल्द कुछ बड़े ऐलान किए जा सकते हैं। दूसरी तिमाही में विकास दर 6 साल के निचले स्तर पर पहुंच गई है। अगली ताजा बड़ी खबर आ रही है महंगाई से तबाह लोगों को मोदी सरकार दे सकती है एक और झटका, 100% बढ़ सकती है जीएसटी। दोस्तों मैं आपको बता दें कि देश में प्याज समेत खाद्य पदार्थों की कीमतों में लगी आग से लोग काफी परेशान हो चुके हैं। जनता को आने वाले दिनों में एक और बड़ा झटका लग सकता है। खबरों के अनुसार जीएसटी कलेक्शन में भारी कमी से मोदी सरकार ज्यादा परेशान हो चुकी है। खबर है कि कलेक्शन में लगातार कमी को देखते हुए जीएसटी काउंसिलिंग जीएसटी दरों के ढांचे में बदलाव पर विचार कर रही है। अगली ताजा बड़ी खबर आ रही है उन्नाव पीड़िता के परिवार को 25 लाख रुपए देगी उत्तर प्रदेश सरकार। पीएम आवास योजना के तहत मुहैया कराया जाएगा घर। दोस्तों मैं आपको बता दें कि उन्नाव में बलात्कार पीड़िता की मौत के बाद उसके परिवार को उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 25 लाख रुपए की सहायता देने की घोषणा की है। अगली ताजा बड़ी खबर आ रही है राजनाथ सिंह ने कहा कि आतंक को लेकर पाकिस्तान कभी नहीं सुधरने वाला है, इस कारण चौकन्ना रहना जरूरी है। केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने शनिवार को कहा कि पाकिस्तान ने आतंकवाद को अपनी स्टेट पॉलिसी बना चुका है, वह कभी नहीं बदलेगा। ये बात रक्षा मंत्री इंडियन मिलिट्री अकेडमी में 142वीं पासिंग आउट परेड में कार्यक्रम के दौरान कही है। अगली ताजा बड़ी खबर आ रही है भारतीय मौसम विभाग से। हाँ दोस्तों मैं आपको बताएंगे कि आने वाले 24 घंटों में किन क्षेत्रों में बारिश हो सकती है। अगले 24 घंटों के दौरान तमिलनाडु आंध्र प्रदेश दक्षिण कर्नाटक केरल और ओडिशा के तटीय हिस्सों में हल्की से मध्यम बारिश होने का अनुमान जताया गया है। पंजाब हरियाणा दिल्ली पश्चिम उत्तर प्रदेश और पूर्वोत्तर राज्यों में कोहरा छाया रहेगा। उत्तर पश्चिम मध्य और पूर्वी भारत में न्यूनतम तापमान में कोई खास बदलाव नहीं आएगा, हालांकि दक्षिणी राजस्थान और गुजरात में रात के तापमान में गिरावट आएगी। चलिए बात कर लेते हैं कि पिछले 24 घंटों में भारत के किन क्षेत्रों में बारिश हुई थी। पिछले 24 घंटों के दौरान तमिलनाडु और तटीय आंध्र प्रदेश पर कुछ जगह हल्की से मध्यम बारिश देखी गई है। हरियाणा दिल्ली उत्तर प्रदेश बिहार और पूर्वोत्तर राज्यों में मध्यम से घना कोहरा छाया रहेगा। पिछले कई दिनों से बिहार और झारखंड समेत पूर्वी राज्यों में शुष्क मौसम की स्थिति देखी जा रही है। यहाँ तक कि बिहार और झारखंड के अधिकांश हिस्सों का मौसम पिछले एक महीने से शुष्क ही बना हुआ है। भारतीय मौसम विभाग का कहना है कि बिहार और झारखंड में 13 और 14 दिसंबर को बारिश देखी जा सकती है। पटना गया भागलपुर रांची और शमशेदपुर जैसे स्थानों पर भी बारिश की गतिविधि होने की संभावना है। बारिश के बाद बिहार और झारखंड के कई हिस्सों में घना कोहरा देखने को भी मिलेगा। अगली ताजा बड़ी खबर आ रही है रेप मामले में देश भर में गुस्सा छाया हुआ है। हरकत में आई सरकार, कानून मंत्री बोले 2 महीने में पूरी हो जाएगी जाँच। दोस्तों मैं आपको बता दें कि केंद्र और राज्य सरकार ने 1023 नए फास्ट ट्रैक कोर्ट के गठन का प्रस्ताव रखा है। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि
की नाबालिगों से दुष्कर्म मामले में 2 माह के भीतर जांच पूरी होनी चाहिए। इस संबंध में उन्होंने अपने विभाग को भी आवश्यक दिशा निर्देश जारी कर दिए। देश के कानून मंत्री ने बताया कि केंद्रीय और राज्य सरकार ने देश भर में 1023 नए फास्ट ट्रैक कोर्ट के गठन का प्रस्ताव रखा है। इनमें से 400 पर आम सहमति बन चुकी है। इसके अलावा 704 फास्ट ट्रैक कोर्ट पहले से ही चालू है। अगली ताजा बड़ी खबर आ रही है पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अरमिंदर सिंह ने कहा कि नागरिकता संशोधन विधेयक को मंजूरी नहीं देगा पंजाब। पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अरमिंदर सिंह ने नागरिकता संशोधन विधेयक का विरोध किया। कैप्टन का कहना है कि नागरिकता संशोधन विधेयक भारत की लोकतांत्रिक भावना के खिलाफ है, इसलिए वह इसका विरोध करते हैं। वह शनिवार को नई दिल्ली में आयोजित एक कार्यक्रम में शामिल हुए, जहां उन्होंने नागरिकता संशोधन विधेयक को लेकर अपना ये विरोध जताया। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता व पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अरमिंदर सिंह ने नागरिकता संशोधन विधेयक और NRC दोनों को ही गलत बताया। दिल्ली हाई कैप्टन ने कहा कि पंजाब किसी हालत में नागरिकता संशोधन विधेयक को मंजूर नहीं करेगा, क्योंकि यह भी NRC की तरह लोकतंत्र की भावनाओं की विपरीत है। उन्होंने कहा कि पंजाब में इसे लागू नहीं किया जाएगा। उन्होंने कहा कि मैं कानून के दायरे से बाहर पुलिस कार्रवाई का विरोध करता हूं। हालांकि दबे शब्दों में उन्होंने यह भी कहा कि पुलिस आत्मरक्षा में एनकाउंटर कर सकती है। उन्होंने कहा कि यदि पुलिस पर हमला होता है तो पुलिस को उसका जवाब देने का हक है। अगली ताजा बड़ी खबर आ रही है कांग्रेस के नेता चिदंबरम ने कहा कि सरकार मेरी मानसिक शक्ति को तोड़ना चाहती है। दोस्तों मैं आपको बता दें कि कांग्रेस के वरिष्ठ नेता पी चिदंबरम ने शनिवार को तमिलनाडु पहुंचे। उन्होंने केंद्र सरकार पर आरोप लगाया कि INX मीडिया मामले में जेल में कैद करके उसकी मानसिक शक्ति को बर्बाद करना चाहता है। पूर्व मंत्री ने दिल्ली की तिहाड़ जेल में 106 दिन बिताए, मगर उन्होंने प्रवर्तन निदेशालय CBI द्वारा दायर उनके खिलाफ मामले का स्पष्ट उल्लेख नहीं किया। उन्होंने कहा कि मैं मामले के बारे में बात नहीं कर रहा हूं। मुझे कैद क्यों किया गया? उन्होंने मेरी मानसिक शक्ति को बर्बाद करने के बारे में सोचा और यह किसी भी दिन संभव नहीं होगा। अगली ताजा बड़ी खबर आ रही है गोवा के मंत्री ने कहा कि प्याज की कीमतों में उछाल के कारण गोवा में पर्यटन में गिरावट आई है। गोवा के बंदरगाह मंत्री के अनुसार गोवा में पर्यटन क्षेत्र में आई कमी का कारण आर्थिक मंदी नहीं बल्कि प्याज की कीमतों में वृद्धि है, जिसके चलते राज्य में कम पर्यटक आए। गोवा के मंत्री ने शनिवार को ये पत्रकारों से कहा है, इस साल गोवा में कम पर्यटक आए। भारतीय पर्यटक खाने के साथ प्याज और मिर्ची की मांग करते हैं। बड़ी कीमतों के कारण उन्हें इसके स्थान पर गोभी और मिर्च दी जा रही है। अगली ताजा बड़ी खबर आ रही है मायावती ने राज्यपाल से मिलकर महिला सुरक्षा पर कड़े कदम उठाने की अपील की है। दोस्तों मैं आपको बताना चाहेंगे कि उन्नाव दुष्कर्म पीड़िता की मौत के बाद उत्तर प्रदेश की विपक्षी दलों ने सड़क पर उतरकर सरकार के खिलाफ मोर्चाबंदी की है। सपा और कांग्रेस के बाद बसपा भी इस मुद्दे पर मुखर हुई है। मायावती ने राज्यपाल से मुलाकात की है और उन्हें ज्ञापन सौंपकर प्रदेश में महिला सुरक्षा पर कड़े कदम उठाने की अपील की है। मायावती ने कहा कि उन्नाव की घटना से बहुजन समाज पार्टी काफी दुखी है। एक महिला होने के नाते मैंने इस घटना को गंभीरता से लिया। पूरे देश में इस प्रकार की घटनाएं हो रही है, उत्तर प्रदेश में ज्यादा हो रही है। अगली ताजा बड़ी खबर आ रही है वित्त मंत्री ने कहा कि सरकार अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने के लिए कई उपायों पर काम कर रही है। दोस्तों मैं आपको बता दें कि देश की GDP विकास दर के गिरते आंकड़ों को लेकर विपक्ष के हमलों के बीच शनिवार को केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि सरकार अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने के लिए कई उपायों पर काम कर रही है। चालू वित्त वर्ष की दूसरी तिमाही में GDP विकास दर 6.5 साल के निचले स्तर 4.5% तक पहुँच गई है। राष्ट्रीय राजधानी में एक कार्यक्रम में वित्त मंत्री ने कहा कि अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने अगस्त तथा सितंबर में कई कदम उठाए। उन्होंने कहा कि इसके अलावा खपत को बढ़ावा देने के लिए सरकारी बैंकों ने बीते 2 महीनों में देश भर के लगभग 5 लाख करोड़ रुपए का लोन बांटा है। उन्होंने कहा कि कई तरीकों से खपत को बढ़ावा देने का काम किया जा रहा है। अगली ताजा बड़ी खबर आ रही है दिल्ली के मोहल्ला क्लिनिकों की तरह मध्य प्रदेश में संजीवनी क्लिनिकों की शुरुआत की जा रही है। दोस्तों मैं आपको बता दें कि दिल्ली के मोहल्ला क्लिनिकों की तर्ज पर मध्य प्रदेश सरकार ने संजीवनी क्लिनिक खोलने के महत्वाकांक्षी अभियान की शनिवार से शुरुआत की है। ये क्लिनिक स्वास्थ्य सेवाओं के विस्तार के तहत कस्बाई और शहरी क्षेत्रों की झुग्गी बस्तियों के पास खोले जा रहे हैं। मुख्यमंत्री कमलनाथ ने यहाँ निपानिया क्षेत्र में राज्य के पहले संजीवनी क्लिनिक का उद्घाटन किया। उन्होंने कहा कि स्वास्थ्य ऐसा विषय है जो समाज के प्रत्येक लोगों को सीधे तौर पर प्रभावित करता है। हम शहरी क्षेत्रों के साथ आदिवासियों की बसावट वाले दूरदस्त इलाकों में भी स्वास्थ्य सुविधाएं बढ़ाएंगे। अगली ताजा बड़ी खबर आ रही 31 दिसंबर तक नहीं किया काम ये तो आपका पैन कार्ड अवैध हो जाएगा। दोस्तों मैं आपको बता दें कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने पैन और आधार लिंक करने की अंतिम तारीख को
31 दिसंबर 2019 तक बढ़ा दिए। इनकम टैक्स विभाग ने इस आदेश के बाद सभी पैन कार्ड धारकों के लिए जरूरी हो गए। वो अपने पैन और आधार को समय रहते हुए लिंक कर ले। इसे ऑनलाइन या फिर SMS के माध्यम से लिंक किया जा सकता है। ये लगातार 7वां ऐसा मौका है जब पैन और आधार को लिंक करने की अंतिम तारीख बढ़ाई गई है। अगली ताजा बड़ी खबर आ रही है, बैंक से पैसा ट्रांसफर करना होगा आसान है। अब हफ्ते के 7वें दिन फ्री में मिलेगी ये सुविधाएं। दोस्तों मैं आपको बता दें कि भारतीय रिजर्व बैंक ने एक बयान में कहा है कि निफ्टी के तहत ट्रांजैक्शन की सुविधा होल्डिंग समेत हफ्ते के 7वें दिन उपलब्ध होगी। अगली ताजा बड़ी खबर आ रही है, प्याज की कीमतों में तेजी का दौर अभी खत्म नहीं होने वाला है। अगर दोस्तों हमारे द्वारा दी गई जानकारी आपको पसंद आती है तो आप एक बार वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेयर करें। और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो लाल बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब कर ले और पास वाले घंटी के बटन को जोड़ दबा ले ताकि आने वाले वीडियो की आपको सूचना मिलती रहे। क्योंकि दोस्तों यहाँ पर जो भी खबर बताई जाती है बिल्कुल सही खबर बताई जाती है और एकदम सटीक खबर बताई जाती है। यहाँ पर सभी राज्यों की और पूरे देश भर की खबर आपको देखने को मिलेगी। तो आप ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेयर करें। अगला वीडियो है, तब तक के लिए जय हिंद।